नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज आपको एक खास बंदे से मिलवाने वाला हूँ। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था यूएस में अगर रहना है तो एक स्टूडेंट को लगभग कितना खर्चा आएगा और इसके बाद अपने को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी यूएस में पढ़ने के बाद। तो ये पूरे क्वेश्चन का जवाब आज अपन जानते हैं नितिन कुमार गौ से। उनका भी एक यूट्यूब में चैनल है, तो उनको अपन लगाते हैं कॉल और उनसे पूछते हैं ये पूरे क्वेश्चन। हाय नितिन। हेलो भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम बताओ? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया। अच्छा, चलो नितिन भाई, मेरे बहुत सारे जो जिंदाबाद सेना है आप भी उसमें का सदस्य हो। कई लोग बोले कि सर कोई स्टूडेंट का खर्चा बताओ, स्टूडेंट कैसे वहाँ पे आके कर सकता है, तो ये पूरी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नितिन भाई आप क्या करते हैं? श्योर भैया, तो भैया मैं अभी MS इन US कर रहा हूँ, तो मेरा मास्टर्स अभी चल रहा है सैन होजे में जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है, और SJSU करके यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं मेरा मास्टर्स कर रहा हूँ, और अभी अभी मेरा मास्टर्स खत्म हुआ है तो जॉब चालू होने वाली है। अरे क्या बात है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया जो मैं बाद में पूछने वाला हूँ कि MS करने के बाद जॉब लगती है कि नहीं, तो इसके बारे में डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे। और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम क्या है और वो चैनल बनाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? भैया आपने सही कहा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो नितिन कुमार गोवे MS in US से चलता है, उसका नाम है। और जब मैं US आया तो एक चीज मैंने देखी कि US आने से पहले भी बहुत सारे जगह पर हमको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे काउंसलिंग हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लगा लेते हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत पैसे हमको देने पड़ते हैं। तो मैंने एक चीज जो मेरा मोटिवेशन था कि अगर मैं इस बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाऊँ ये पैसे सेव करने के लिए और फ्री में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उस मोटिवेशन के साथ मैंने ये मेरा एक छोटा सा चैनल। अरे छोटा सा नहीं, अब आप जिंदाबाद सेना की नजर में आ गए, छोटा से बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो अगला मेरा क्वेश्चन है कि आप USA कब आए, मतलब कौन से सन में आए? भैया मैं USA आया था अगस्त 2016, जिसको बोलते हैं कि फॉल सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। तो ये बोलते हैं एक फॉल होता है और एक और कौन सा होता है? स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर क्या है और कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल? भैया वैसे फॉल और स्प्रिंग में अंतर ये होता है कि पहले तो फॉल में ज्यादा एडमिशन होते हैं, स्प्रिंग में कुछ कुछ कॉलेज एडमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो जो फॉल वाले लोग हैं वो जॉब के जैसे ओपनिंग्स निकलते हैं ना, जॉब और इंटर्नशिप्स के, उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट टाइम पे आते हैं। हालांकि अभी डिटेल में बात करेंगे H1B वीजा के ऊपर कि कब ओपनिंग रहती है, लेकिन अभी अपन कंटिन्यूस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन मुद्दे के ऊपर जाएंगे और इन फ्यूचर बहुत सारे कोलैब करेंगे अपन जॉब से रिलेटेड ये सब, तो अभी पहले बेसिक रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन आखिरी में जॉब डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलेगा भैया। तो सबसे पहले कि आपको कब ऐसे ख्वाब आया कि मेरे को US में जाके कुछ पढ़ना है, कैसे मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? भैया मैं यहाँ आने से पहले मैं जॉब कर रहा था इंडिया में, और कुछ समय जॉब करने के बाद, जैसे 2 से 3 साल जॉब करने के बाद, मुझे एक चीज लगी कि थोड़ा स्टैग्नेंसी आ रहा है और स्किल सेट बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी जो करंट एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में सीखने की कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ तो मैंने एक चीज जो सोची कि US में सिलिकॉन वैली ऐसी चीज है जहाँ पे सारी चीजें बनती है, नई इनोवेट होती है, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी। और उस हिसाब से फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे MS करना चाहिए और वहां जाकर वो चीजें सीखनी चाहिए। अब जब आप इसकी प्रिपरेशन की होगी GRE की या IELTS, TOEFL जो भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपने खुद से की थी कि आप कोचिंग गए थे? मैंने कोचिंग लगाई थी भैया, बट मैंने कुछ सीरियसली किया नहीं था, तो ऐसे हो गया था कि मेरी जब एग्जाम आई तो मुझे खुद से करना पड़ा था 1 महीने पहले। हाँ, और TOEFL की मैंने नहीं लगाई थी, तो TOEFL खुद से हो गया था। तो
आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कि कोचिंग करना जरूरी होता है कि इंसान खुद से पढ़ के क्लियर कर सकता है? भैया जो इंजीनियरिंग के बंदे हैं उनके लिए मैथ तो बहुत ही इजी है, क्योंकि मैथ जो जीआरई में मैथ आता है वो बड़ा इजी आता है, इजी सा है, वो स्कूल लेवल मैथ होता है। बस जो इंग्लिश होता है उसको समझने की हमको समझना पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपके पास 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो अगर आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स कर लोगे तो कुछ टेक्निक सीख लोगे तो आप जीआरई इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे आपके चैनल में मैंने देखा है कि वो कैप को लेके बहुत अच्छी चीजें हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा कि फ्यूचर में आप जीआरई और टोफेल के टॉपिक्स को कवर करिए अपने वीडियो में, तो जिंदाबाद सेना को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। जरूर जरूर। ठीक है, अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि अब ना देखो ये बातें हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, अब मेन है कि मान लो बंदा यहाँ पे आ जाता है तो उसको अपना बजट बनाना पड़ेगा कि मेरे को कितना खर्चा होने वाला है। तो अपन रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात करना चालू करते हैं, है ना? तो सबसे पहले है कि अभी आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो वहां पे आपका रूम रेंट कितना है? मेरे रूम का रेंट पर हेड अराउंड 630-700 तक आता है। तो बेसिकली रेंट का जब चीज आती है तो वो डिपेंड करता है कि आपका मकान कितना बड़ा है। जैसे 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है। जैसे कैलिफोर्निया में अगर आप बात करोगे तो 2 BHK अराउंड 3,000 से 4,000 के बीच में आता है रेंट, 2,800 से 3,500 तक। और दूसरे स्टेट्स में थोड़ा कम होता है, बट दैट इज द नॉर्मल रेट, वो एक नॉर्मल रेट रहता है। और इस पे इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप मेन सिटी में ले रहे हो कि सिटी से दूर ले रहे हो। आगे आगे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि कितने लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो रूम, है ना? कि 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, उस हिसाब से कम ज्यादा होता है। अब जो आपका रूम रेंट आता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ऐड होता है कि आप अलग से पे करते हो? अगर अलग से पे करते हो तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है? वो हमको अलग से भरना पड़ता है, उसके लिए उसको बोलते हैं यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज में क्या क्या आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका वाटर बिल आता है, उसके बाद जो क्लीनिंग वगैरह है उसका बिल आता है। तो ये कुल मिला के सारा मिला के अराउंड $150 to $170 के बीच में आता है महीने का। अच्छी बात है, सस्ता है वहां पे। मतलब आप कम यूज कर रहे वाला है ना। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते हुए क्या कोई इंसान पार्ट टाइम जॉब कर सकता है यूएसए में? और मैंने ये भी सुना है कि ऑन कैंपस जॉब होती है और ऑफ कैंपस जॉब होती है, तो क्या अंतर है दोनों में? जरूर आप जॉब कर सकते हो भैया, बट हमारे वीजा के हिसाब से ऐसे होता है कि आप सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो। जैसे ऑफ कैंपस जॉब इलीगल होता है। जैसे बहुत सारे लोग किसी होटल में काम कर लेंगे, मोटेल में काम कर लेंगे, कई इंडियन स्टोर में काम कर लेंगे, तो वो थोड़ा इलीगल होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। बट जैसे कि ऑन कैंपस होता है तो उसमें होता है कि TA बन जाओ आप, टीचिंग असिस्टेंट बन जाओ, या फिर रिसर्च असिस्टेंट बन जाओ, या फिर होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज में, वहां पे स्टूडेंट असिस्टेंट बन जाओ, ऐसे बहुत सारे जॉब। और एक और ऑप्शन होता है जैसे कि अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है तो आप एक वर्किंग वीजा के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और फिर आप ऑफ कैंपस जॉब कर सकते हो। मेरे ख्याल से मतलब अलग अलग रूल होता होगा, लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ भैया, अभी जब आप यूएसए से इंडिया आए और आप 2 साल पढ़ाई की, तो ओवरऑल मिला के कितना खर्चा आ गया? मतलब मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग जो खर्चा आता है वो पूरा मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे भैया खर्चा जब हम बात करते हैं तो 2 मेन कंपोनेंट होते हैं उसके। एक तो होता है फीस 2 साल की, यानी पूरा आपका एजुकेशन के हिसाब से, और दूसरी जो चीज होती है वो आपकी होती है कि जो रोजमर्रा के खर्चे, जो लिविंग एक्सपेंस है। तो मेरी 2 साल की फीस अब अगर आप देखोगे तो वो थी अराउंड $33,000, और अगर आप खर्चा देखोगे मेरा हर महीने का अराउंड $800 है, तो उसको 24 महीने के अकॉर्डिंग गुणा भाग कर लेते हैं। हाँ, तो सर जो मेन क्वेश्चन है, मतलब कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन भी है, जब भी अपन यूएस वीजा का इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला ये चेक करता है कि इसका इंटेंशन सिर्फ ये होना चाहिए कि पढ़ के वापस आ जाए, राइट? राइट। और अगर उसका इंटेंशन ऐसा होता है कि मैं वहीं पे बस जाऊंगा तो उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है? राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट, मतलब मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन
80% जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनका ये माइंड सेट होता है, मैं देखो फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं सबका 100% नहीं बोल रहा हूँ, 80%, 20% लोग वापस अपनी कंट्री जाते हैं, लेकिन कुछ मतलब 80% लोगों का रहता है कि मैं पढ़ने के बाद यहाँ पे सेटल हो जाऊँ। क्योंकि जब मैं सीधा सा ये क्वेश्चन है, ये कोई गलत भी नहीं है, कि आप जब यूएसए के हिसाब से पढ़ाई करोगे और यहाँ पे इतना खर्चा कर रहे हो, तो इंडिया के हिसाब से पेमेंट कौन लेना चाहेगा? बहुत कम लोग होंगे जो लेना चाहेंगे। तो आपने कैसे किया कि मतलब पहली बात, पहला क्वेश्चन, क्या यूएस में स्टडी करने के बाद यूएस में जॉब मिल सकती है, हाँ या नहीं? मिल सकती है भैया। दोस्तों, तो ये वीडियो बना था दो पार्ट में, पार्ट वन आपने यहाँ पे देखा। पार्ट टू देखने के लिए नितिन भाई के चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट सेक्शन में भी दी है, वहां पे जाके पार्ट टू देख सकते हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो जरूर दबाइएगा, और बगल में घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल जरूर चेक कर लेना भाई, नितिन भाई का है ना।